मैं रामस्वरूप चौधरी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हूं कोविड 19 में। 31 तारीख को मैंने अपना टेस्ट कराया था और 3 तारीख को रिपोर्ट आई। एक दिन मैं तेरापंथ भवन में क्वारंटाइन रहा, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तो 5 तारीख को मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी वाइफ के साथ एडमिट हो गया। मेरी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव है। हम दोनों यहां 5 तारीख से हैं। जो ट्रीटमेंट का था वो दिया, हम कोई वेंटिलेटर पे नहीं गए, हमारे कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं था। हमने इनको 30-25 हजार रूपये काउंटर पे जमा किए और 3 लाख रूपये की हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी दी और हमने कहा इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। इन्होंने कहा ठीक है और हमारा ट्रीटमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आज इन्होंने मुझे सुबह डिस्चार्ज कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ को डिस्चार्ज कर दिया, पर तब तक इन्होंने इंश्योरेंस के क्लेम के पेपर नहीं दिए। हमें 4,60,000 रूपये का बिल हाथ में थमा दिया कि आप ये पैसा जमा कराएं। अब हम कहां से पैसे जमा कराएंगे? और हमें सुबह से बंधक बना के रखा हुआ, 8 बजे से हम यहां बैठे हुए डिस्चार्ज होके, न तो हमारा क्लेम प्रोसेस कर रहे हैं, न हमारे को रिलीज कर रहे हैं, न हमें छोड़ रहे हैं। बताइए हम क्या करें? कोई है इस चीज को सुनने वाला? क्या भारत सरकार सुनेगी गंगाराम हॉस्पिटल की मनमानियों को? प्लीज कृपया हमारी हेल्प करें। हम दोनों हस्बैंड वाइफ वार्ड नंबर 1427 गंगाराम हॉस्पिटल वार्ड 4A बेड नंबर 1427 में है। हमने दोनों ने एक ही कमरा ले रखा है, उस कमरे का भी इन्होंने डबल चार्ज लगा रखा है, जबकि कमरे के चार्ज सिंगल ही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।